टुगेदर टू अगले साल के फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट 3-4 मंथ्स में रिलीज़ होगी, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हिट फिल्म, आइकॉनिक फिल्म को एक पार्ट 2 मिल रहा है, तो खुशी के अलावा और क्या कह सकती हूँ मैं। जैसे यू नो, मैं हमेशा कहती हूँ कि आइकॉनिक फिल्म्स बहुत कम बनते हैं, इन अ डेकेड मे बी वंस इफ यू आर लकी, और एक हिस्सा बनना बहुत बड़ी बात है आर्टिस्ट के लिए, लेकिन एक पार्ट 2 बनना, ये हिंदुस्तान के किसी आइकॉनिक फिल्म के साथ नहीं हुआ है, हॉलीवुड में भी नहीं हुआ था। सिर्फ अभी जाके टॉम क्रूज की मैवरिक टॉप गन को पार्ट 2 मिली, जहां उन्होंने सेम कैरेक्टर्स को लेके स्टोरी फॉरवर्ड की है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 काफ़ी फिल्मों की मिलते हैं, लेकिन सेम फैमिलीज को लेके, सेम कैरेक्टर्स को लेके, सेम पल्स को लेके कहीं कहानियाँ आगे नहीं बढ़ती। आप हाउसफुल वगैरह जैसे फिल्में देखो तो वो बनती रहती हैं, लेकिन जैसे हालांकि में रिलीज़ हुई भूल भुलैया, स्टार का स्टोरी, हर चीज़ चेंज हो गई थी, लेकिन एक ऐतिहासिक स्टुपेंडस आइकॉनिक हिट को लेके, एक तो दोनों पार्ट का हिस्सा बन के सेम किरदार निभाना, सकीना का किरदार, तारा सिंह का किरदार, जो हर हिंदुस्तानी के मन में एक जगह बना चुकी है, ये मैं खुशनसीबी समझती हूँ कि मुझे मौका दोबारा मिला है। और ये कहानी एक इंडिया पाकिस्तान को लेके फिर से पीरियड बैकड्रॉप है, बेस्ड इन 1971, और वही खूबसूरत मोमेंट्स जो गदर 1 में थे, गाने, एक्शन, डायलॉग्स, हर चीज़ जिसने गदर 1 को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हिट बनाई थी, गदर 2 को हम वही इमोशन लेके आगे बढ़ा रहे। तो हाँ, मैं जानती हूँ कि ऑडियंस भी उत्साह से ठहर रही है और हमने भी पूरी मेहनत की है, तो आई होप कि ऑडियंस हमें और उतना ही प्यार दे और भगवान उतना ही आशीर्वाद दे, बस यही हम चाह सकते हैं।